हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। तो स्टार्ट करते हैं साप्ताहिक राशिफल, जो रहेगा मेष से लेकर मीन राशि तक टैरोट रीडिंग रहेगी। ये जनरल रीडिंग्स होती है, हर किसी को रिजल्ट नहीं होती है। मून राशि से जो है ये रीडिंग्स की जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। शुरू करते हैं सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए जो है ये सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ बड़े बदलाव को लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई चीज़ों को लेके बदलाव जो है आप करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए भी दिखाई दे रही है। कुछ ट्रैवल आप जरूर करेंगे। ट्रैवलिंग के लिए जो है कार्ड आपके लिए शो करते हुए दिखाई दे रहा है। नेम फेम सक्सेस को लेके चीज़ों को लेके शो करती हुई चीज़ें रहेगी। बट कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहेंगे। कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ नई चीज़ों को सीखने में आपका मन जो है रुझाव की तरह रहेगा। एनर्जी आपकी फुल ऑन बैलेंस रहेगी। मून आपका बैलेंस रहेगा, अनस्टेबल नहीं रहेगी। पर कहीं पे भी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आप जो है न्यूट्रल रहेंगे, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अपने आप में रहेंगे, काम में रहेंगे, किसी के बातों में ज़्यादा नहीं आएंगे। अपने आप का डिसीजन जो है आप ले सकते हैं। ये वाली सिचुएशन आपकी ये सप्ताह में ज़रूर रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह के लिए जो है एंजल्स मैसेज आपको क्या कहना चाहता है। तो एंजल्स मैसेज जैसे कि आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आप जो है आपकी जो एनर्जी जो है वो वर्क करती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है अबंडेंस जो है आपके लिए शो होती हुई दिखाई दे रहा है। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह की आपके लिए एनर्जी क्या रहने वाली है। तो ये सप्ताह में चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटी को लेके, नई एनर्जी को लेके काम करने वाली काफ़ी ज़्यादा रहेगी। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। कुछ नई चीज़ों में बदलाव आ सकता है। ट्रैवल आपका ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं फैमिली वालों के साथ भी टाइम एक्सपेंड ज़रूर करेंगे। कुछ पैसे को लेके सेविंग करने का मन आपका हो सकता है वृषभ राशि वाले। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो एंजल जो है जैसे कि आपने दूसरे की बातें सुननी है और कहीं ना कहीं उस पर चीज़ों को लेके ज़्यादा अपनी राय नहीं बतानी है और आपकी बैलेंसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपके डिज़ायर जो भी सपने जो है उसको लेके जो आपकी बैलेंसिंग एनर्जी रहेगी। तो करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपके लिए एनर्जी क्या कहने वाली है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा जो ज़्यादा होप है आपकी वो होप टूट सकती है। जो उम्मीद आप रख रहे किसी को लेके वो उम्मीद टूट सकती है। लव रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की जो है बोलते ना कि जो हकीकत है उनका बिहेवियर है, कुछ बदला सा आपको चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, बड़ा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ें होगी कि अगर काम को लेके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो काम को लेके चीज़ें काफ़ी अच्छी चलेगी। वहाँ पे आपकी एनर्जी अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो जैसे कि टाइम है अभी, अगर वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो और अपनी तरफ ध्यान दो, मतलब खुद की तरफ ध्यान दो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। ये सप्ताह में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने आप को लेके चिड़चिड़ा सा मन रहेगा, मूड ऑफ रहेगा। कहीं ना कहीं किसी से बात करने का मन नहीं रहेगा। किसी के लिए केयरिंग ज़्यादा रहेगी, उसके बारे में सोचना ज़्यादा रह सकता है। आपकी माँ की हेल्थ ख़राब हो या फिर कहीं फैमिली में किसी को आप जैसे जो मानते हो या फिर अपने पार्टनर की जो हेल्थ इशू आ सकती है जिसके कारण आप काफ़ी परेशान हो सकते हो। काम के लिए चीज़ें बदल सकती है। आपके नेचर में बदलाव ज़रूर आएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। काम को लेके चीज़ें अच्छी चलेगी। पैसे को लेके, फाइनेंशियल को लेके काफ़ी ज़्यादा जो लॉस जो है नहीं दिख रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिस्टर्ब रहना, परेशान रहना, थोड़ी सी ये चीज़ें हो सकती है। हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहता है कर्क राशि वालों के लिए। तो जैसे कि आप जो कुछ भी चीज़ें जो कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और आपकी एनर्जी को हील कीजिए, मतलब ग्राउंडिंग एनर्जी को जो है हील कीजिए। मतलब आपकी सराउंडिंग एनर्जी में जो कुछ भी नेगेटिविटी आ रही, नकारात्मक एनर्जी आ रही, जो भी नज़र लगनी चीज़ें जो हैं इसको पहले अपनी क्लेंजिंग कीजिए, खुद को मेडिटेट कीजिए तो चीज़ें आपकी बेस्ट हो जाएगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कर्क सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह की आपके लिए चीज़ें कैसी होने वाली हैं।
तो जैसे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए रहेगा। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी शो होती हुई दिखाई दे रही कि फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा जो है काम को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी तेज़ी रहेगी, जिसके कारण आपको थोड़े से रात को नींद नहीं आना, थोड़े से स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ना, ये चीज़ें हो सकती है। ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होगी सिंह राशि वालों के लिए, कुछ बदलाव ज़रूर आएंगे। रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है, रिश्तों में चीज़ें थोड़ी ख़राब हो सकती है सिंह राशि वाले, तो उस पर ध्यान ज़रूर दें। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जैसे कि परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, चीज़ें जो है ठीक हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर नोटिस ज़रूर कीजिए, अपने साइंस को जो है नोटिस कीजिए, तो चीज़ें ठीक रहेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो चीज़ें जो है देखी जाती है, दिखाई दे रही है कि अपने लाइफ से जो कुछ भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उन चीज़ों को लेके थोड़े से आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं आगे मूव ऑन करने का टाइम दिखाई दे रहा है। थोड़े से फ्रस्ट्रेट, थोड़े से परेशान, हेल्थ को लेके थोड़ी चिंता में रहेगी, बाकी ओवरऑल एनर्जी ठीक है। कुछ भी अगर काम करना चाहते हो, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। काम के लिए चीज़ें ठीक रहेगी, प्रैक्टिकल रहोगे, और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी अपने फैमिली का मिलेगा। ये चीज़ आपके साथ होगी, कहीं ना कहीं आपको पार्टनर के साथ सपोर्ट आपको मिल सकता है, कुछ नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, कुछ नई चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एंजल्स मैसेज आपके लिए कन्या राशि वाले। तो जैसे कि फैमिली सपोर्ट ज़रूर रहेगा, कहीं ना कहीं न्यू पार्टनर, जैसे कि न्यू लव फीलिंग जो है आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए तुला राशि वाले। तुला राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ये सप्ताह में चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है, ट्रैवल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कहीं जो है कम्युनिकेशन करते समय सोच समझ के बात कीजिए, कहीं ना कहीं हर चीज़ें आपके लिए हो सकती है। कुछ नई चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे, शायद ये सकता है कहीं भी बहुत ज़्यादा टाइम से आपके पार्टनर से आपकी काफ़ी ज़्यादा अनबन होती हो, तो अनबन को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, ये चीज़ें ज़रूर होगी। साथ ही साथ चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या रहने वाला है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो परफेक्ट टाइमिंग है, मूव ऑन कर लीजिए जो भी आपके पार्टनर के साथ जो भी अनबन हो रही है, और रिलैक्स कीजिए, और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी चिंता है, आप सरेंडर कर दीजिए, तो चीज़ें आपकी बेस्ट रहेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ये सप्ताह जो है फाइनेंशियल को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, कुछ चीज़ों को लेके आप कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, कुछ नई प्लानिंग को लेके काम ज़रूर करेंगे। पैसे की जो भी दिक्कत है वो ये टाइम पर ये सप्ताह में नहीं रहेंगे, अपने मन से जिएंगे। रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है, पर कहीं ना कहीं आपको कुछ चिंता है, मतलब कुछ परेशानियाँ, जो उसे बोलते हैं कि अपने आप में ही रहना, कुछ पुरानी चीज़ों को ना भूलना, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। बाकी अदरवाइज आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं वो जानते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो एंजल जो है, जैसे कि आपके लिए आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपके लिए जो है बेनिफिट साबित होगी। आप जो भी चीज़ विश कीजिए, अगर आपको नंबर दिख रहे हैं, एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, तो अगर आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ समय बिताना आपको काफ़ी अच्छा लग सकता है, तो अपने बच्चों के साथ कहीं आप बाहर घूमने जा सकते हैं। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए धनुराशि वाले। धनुराशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ये सप्ताह में चीज़ें आपकी कैसे होने वाली है चलिए जानते हैं। तो ये सप्ताह में चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके जो भी रास्ते जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम से ब्लॉकेजेस चीज़ें आ रही थी वो चीज़ें खुल सकती है। नए काम को लेके आगे ज़रूर बढ़ेंगे, कुछ काम को लेके चीज़ें सोचती हुई चीज़ें दिखाई देते दे रहे हैं, कुछ नई पैशन और कुछ नए काम के साथ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हो सकती है कि लोगों से थोड़े से बोलते ना कि आप कटे कटे से रह सकते हैं, मतलब लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, लोगों के साथ आप ज़्यादा बोलते ना कि अटैच नहीं होगी, ये वाली आपकी एनर्जी रहेगी। बाकी चीज़ें जो है आपकी कहीं ना कहीं ऐसे हो सकते हैं कि आप पैसे के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं ये सप्ताह में। तो एंजल्स मैसेज आपके लिए चलिए जानते हैं कि कैसे रहने वाला है धनुराशि वालों के लिए। तो जैसे कि क्लेंजिंग कीजिए, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो उसको हील कीजिए, और लव फीलिंग्स के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखिए, चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए मकर राशि वाले। मकर राशि वालों के लिए चलिए जानते कि ये सप्ताह जो है आपके लिए कैसे रहने वाला है।
तो ये सप्ताह में चीज़ें जो आपकी काफ़ी ज़्यादा काम को लेके एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगी, काम को लेके चीज़ों को लेके आप पूरी करने के बारे में सोचेंगे, कुछ बदलाव आपके अंदर ज़रूर आएंगे। हर चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इजीली शांत तरीके से सोचते हुए आपके काम हो सकते हैं मकर राशि वालों के लिए। बैलेंसिंग आपकी एनर्जी रहेगी, कुछ चीज़ों का दान ज़रूर कर सकते हैं, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। सडनली किसी के साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, इन चीज़ों से फिलहाल के लिए बचें, बाकी अदरवाइज चीज़ें आपकी बेटर हैं। ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल में जो है कहीं भी किसी के साथ अपने बहस नहीं करनी है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए। एंड जैसे कि आपके लिए एंजल्स मैसेज, जैसे कि कहीं ना कहीं अबंडेंस के लिए एनर्जी शो होती हुई दिखाई देती है, जो भी आप काम करेंगे वो एनर्जी आपकी वर्क करेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो ये सप्ताह की जो एनर्जी जो है आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है काम को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके शो करती हुई दिखाई दे रही है। अपने पार्टनर के प्रति काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, होप ज़्यादा हो सकती है, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे अपने पार्टनर को लेके। काफ़ी ज़्यादा सडनली ऐसी चीज़ें आपको कुछ पता चले जो आपको थोड़े से दर्द दे सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इशू ये टाइम पर हो सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल रहेगा, ज़्यादा नहीं, पर मनी वाइज थोड़े अपने काम को लेके काफ़ी आप आगे ज़रूर रहेंगे। मनी वाइज को लेके थोड़े से अगर आप चिंता में हैं तो आप काम को लेके जो है आप पैसे को लेके आगे बढ़ा सकते हैं। लव फीलिंग को लेके पॉजिटिव रहे और कहीं ना कहीं प्रेयर कीजिए, प्रेयर जितना करेंगे उतनी चीज़ें आपके बेस्ट रहेगी। शुरू करते हैं आखिरी राशिफल जो रहेगा आपके लिए मीन राशिफल के लिए। मीन राशिफल ज़्यादा से ज़्यादा अपने परेशानी में ज़्यादा दिख रहे हैं, स्टक हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ नए रास्ते मिलना चाहते हैं पर नहीं, रास्ते नहीं मिल पा रहे। बाकी फाइनेंशियल को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, पर अपनी मर्जी से जीना, फ्रीडम जैसे चाहते वो चीज़ें नहीं रहेंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक परेशानी आपको रहेंगी। ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि पेनफुल हो सकती है। बाकी आप फ्रीडम चाहते तो हाँ, ये हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ नए डिसीजन ले सकते हैं फ्रीडम के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए। एंजल्स मैसेज चलिए जानते हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है एंजल्स गाइडेंस आपके लिए। तो ग्राउंड योर सेल्फ, मतलब खुद को, पहले बात तो खुद को हिल करो, और सबसे बात जो है आप डे ड्रीम, मतलब कहीं ना कहीं जो सपने देख रहे हो उसको पूरा करने के बारे में आप सोचिए। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, एंड प्लीज़ चैनल को जो है प्लीज़ आगे बढ़ाए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे और कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको कुछ न्यू वीडियोज़ चाहिए, आपकी कुछ टिप्स की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं वो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। प्लीज़ अपनी राय ज़रूर भेजें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है आपको हीलिंग करवानी है या फिर जो है आपको जो क्लासेस करवाने हैं उसकी जो लिंक जो है, वेबसाइट जो है, दो वेबसाइट जो बनाई है, वो जो वेबसाइट जो मैंने वहाँ पे लिंक में जो है शेयर की दी है, प्लीज़ वेबसाइट पे जाएं एंड चेक कीजिए आपको कौन से क्लासेस करने हैं या फिर आपको कौन सी हीलिंग्स या फिर रेमेडीज़ करवानी है। अगर आपको कुछ चीज़ करवानी है तो प्लीज़ इसके लिए कॉन्टैक्ट करें। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके जो है आप व्हाट्सअप पे जो है इसके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, आपके लिए जो भी सुविधा होगी वो हम अवेलेबल करवा देंगे। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।